चुके थे, किसी को याद है? दिस कॉल इज नाउ बीइंग रिकॉर्डेड. जी मैम, जी मैम, डिफरेंस बिटवीन एडल्ट स्पीच लर्नर और एडल्ट और लर्नर, एडल्ट लर्नर. इसके बाद उसके बाद कंपोनेंट ऑफ कंपोनेंट ऑफ लर्निंग, लर्निंग, फिर फिर फैक्टर्स फैक्टर्स अफेक्टिंग अफेक्टिंग टीचिंग, टीचिंग, कॉग्निटिव कॉग्निटिव डेवलपमेंट डेवलपमेंट और उसके और चार उसके स्टेजेस। चार स्टेज. जी, तो एक बार हम क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं, कितना याद है आपको? ठीक है, तो आप बताइए, हैंड रेज करेंगे जिसको आता है. मूल्यांकन एडोलसेंस में कौन करता है और एडल्ट में कौन करता है? किस किस को याद है, हैंड रेज करें. एडोलसेंस वर्सेस एडल्ट, इवेल्युएशन सिस्टम क्या होता है, एडोलसेंस में क्या होता है और एडल्ट में क्या होता है? सोनिया जी बताइए. जी मैम, एडोलेसेंस में टीचर इवेल्युएशन करते हैं और एडल्ट में लर्नर के थ्रू इवेल्युएशन होता है, जो जी एक्सपर्ट लर्नर वगैरह एक्सपर्ट्स होते वगैरह हैं. होते हैं. हाँ जी, बहुत अच्छा सुने जी. नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे कि अधिगम की गति, ठीक है, पेस ऑफ लर्निंग एडोलेसेंस में क्या होती है और एडल्ट में क्या होती है? नेहा जी बताइए. मैम, जो लर्निंग होती है, जो लर्नर होता है, वो एडोलसेंस के अंदर जो होता है वो कैसे, और जो एडल्ट फिर सेल्फ से वो मोटिवेट होता है. हाँ जी, इसमें हमारा करिकुलम कौन डिसाइड करता है? एडोलसेंस में बताएंगे कौन डिसाइड करेंगे? दीक्षा जी बताइए. एडोलेसेंस में तो इट इज टीचर ओरिएंटेड, सो द टीचर द वन हु प्लान्स फॉर द करिकुलम, ही विल प्लान. बट एडल्ट में ही द एडल्ट हिमसेल्फ ओनली प्लान फॉर द करिकुलम. जी बहुत अच्छा, तो क्लाइमेट बताएंगे कि क्लाइमेट किस तरह से होता है. एडोलसेंस लर्नर का क्लाइमेट कैसा होता है और एडल्ट लर्नर का क्लाइमेट कैसा होता है, वातावरण कौन बताएंगे? एडोलेसेंस इन द क्लाइमेट, एडोलेसेंस इन द क्लाइमेट. जी बताइए दीक्षा जी, आप ही बताइए. क्लाइमेट एज ए एडोलेसेंस, लाइक दे वर द इन द स्टेज ऑफ लर्निंग, सो इट विल बी समवेयर द टेंस्ड वे, और यू कैन से लाइक ट्रस्ट विल बी देयर, लो ट्रस्ट विल बी देयर इन दैट केस. लिटिल मे बी दे वर ईगर टू स्टडी, सो कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड और द जजमेंटल वे दे वर्क. बट एडल्ट लर्नर एज दे यू नो द ऑलरेडी लर्न स्टेज, सो दे विल बी रिलैक्स्ड एंड ट्रस्टिंग वर्थी, और यू कैन से द सपोर्टिव वे दे वर्क एडल्ट लर्नर. बिल्कुल, बहुत अच्छा बताया आपने. तो हम क्लास स्टार्ट करते हैं. स्क्रीन शेयर हो रही है अभी? जी मैम, जी मैम. जी, चलिए स्टार्ट करते हैं. आज का हमारा टॉपिक है टीचिंग मेथड्स. तो सबसे पहले हमारे टीचिंग मेथड्स में आता है टीचर सेंटर्ड मेथड्स, फिर हम पढ़ेंगे लर्नर सेंटर्ड मेथड्स, फिर पढ़ेंगे मिक्स्ड, जिसमें टीचर की और लर्नर की दोनों की भूमिका समान होते हैं. टीचर सेंटर्ड मेथड्स में क्या होता है, लर्नर भी एक्टिव होता है, लेकिन लर्नर से ज़्यादा हमारा टीचर जो है ज़्यादा एक्टिव होता है अपना नॉलेज देने में. ठीक है, टीचर सेंटर्ड में जो हमारे टीचर हैं उस पर ज़्यादा फोकस किया जाता है कि वो किस तरह से पढ़ा रहा है. ठीक है, तो सबसे पहले है हमारा लेक्चर मेथड. ठीक है, लेक्चर मेथड आपने देखा होगा जो यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में जो मेथड होता है वो हमारा लेक्चर मेथड के अंतर्गत आता है, जिसमें जो टीचर होता है आते हैं, वो भाषण के रूप में आपको पढ़ा के चले जाते हैं. ठीक है,
इसमें क्या होता है, मेन रोल टीचर का होता है, जो आते हैं अपनी नॉलेज को बताते हैं भाषण के रूप में, लेकिन जो हमारा छात्र होता है वो निष्क्रिय होता है, टीचर क्या हो जाता है हमारा, एक्टिव हो जाता है। ठीक है, लेक्चर मेथड में टीचर हमारा एक्टिव रहेगा और जो हमारा लर्नर रहेगा वो पैसिव रहेगा। ठीक है, ये किसके लिए होता है, जो हायर एजुकेशन होती है हमारे, मास्टर्स हो गया, बैचलर्स हो गया, उसमें हमारा लेक्चर मेथड सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, क्योंकि ये हमारा इजी होता है। जब आपके पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और आपके पास समय की भी कमी है, तो आप इस मेथड का यूज करते हैं, लेक्चर मेथड का। ठीक है, समय की कमी हो और आपके पास स्टूडेंट्स ज्यादा हो तो आप लेक्चर मेथड यूज करते हैं, या फिर आपके पास रिसोर्सेज कम हो, टीचर कम हो, ठीक है, तो तब हम लेक्चर मेथड का यूज करते हैं। इसमें याद रखेंगे हमारा टीचर एक्टिव होता है और लर्नर पैसिव होता है लेक्चर मेथड में। इसमें लाभ बताए गए हैं कि ये ज्यादा जनसंख्या के लिए, जब आपके पास स्टूडेंट्स ज्यादा हों तब ये बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। ठीक है, और क्या बताया गया है, इसमें रिसोर्सेज की आवश्यकता कम होती है, संसाधनों की आवश्यकता कम होती है, कम समय में ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम नॉलेज प्रोवाइड करा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद बताया गया है कि इससे मोटिवेशन मिलती है आगे कुछ सीखने की, जैसे कि आप लेक्चर देके चले गए तो आगे जो लर्नर होगा उसे कुछ मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, इसमें और बताया गया है कि नोट्स बना सकते हैं, लेक्चर मेथड में टीचर नोट्स प्रोवाइड नहीं करता है, उसमें लर्नर खुद से नोट्स बनाते हैं। ये हमारे बेनिफिट्स एडवांटेजेस बोल सकते हैं, बताए गए हैं। इसमें कुछ लिमिटेशंस होती हैं, इसमें लिमिटेशंस कहती हैं, जो लर्नर होता है वो पैसिव होता है, जिसकी वजह से इसकी मानसिक रूप से मेंटल जो स्किल्स है वो डेवलप अच्छे से नहीं हो पाती हैं। ठीक है, जो हमारा लर्निंग हो जाती है बहुत ज्यादा नीरस हो जाती है, बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल हो जाती है, कुछ ज्यादा लर्नर को अच्छा नहीं लगता है, अच्छे समझ नहीं आता लेक्चर मेथड में, ये हमारी लिमिटेशंस हो जाती हैं। ठीक है, इसमें कुछ मेंटल स्किल्स नहीं होती, और इसमें वन वे कम्युनिकेशन होता है। कम्युनिकेशन कैसा होता है हमारा, वन वे होता है। ठीक है, लेकिन लर्निंग कब अच्छी होती है, आपने सबने देखा होगा, जब आपका टू वे कम्युनिकेशन होता है तब आपकी लर्निंग सबसे बेस्ट होती है, लेकिन लेक्चर मेथड में क्या होता है, वन वे कम्युनिकेशन होता है, जिसकी वजह से ये थोड़ी लेस फ्रूटफुल निकलती है। ठीक है, ये हमारा लेक्चर मेथड था, इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। लेक्चर मेथड से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आपको तो पूछ सकते हैं, टाइप कर सकते हैं, मैं पढ़ के बता दूंगी आपको आंसर। इजी था लेक्चर मेथड। इसके बाद हम आता है हमारा टीम टीचिंग मेथड। टीम टीचिंग में क्या होता है, एक या एक से ज्यादा आपके टीचर होते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं, उसके बाद प्रेजेंट करते हैं, और आपका इवेल्युएशन भी टीम के द्वारा होता है, एक पढ़ाएगा एक इवेल्युएशन करेगा, ये क्या होता है, टीम टीचिंग मेथड होता है। ठीक है, इसमें तीन स्टेप्स होते हैं, वो इसमें तीन तरह से, जैसे तीन टीचर हैं तो उसमें तीन टीचर क्या करेंगे, पहला टीचर क्या करेगा, वो आपको लेक्चर के द्वारा आपको बताएगा, सेकंड वाला क्या करेगा, आपको सैद्धांतिक पद बताएगा, उसके जो पीछे लॉजिक है वो क्या है, तीसरा आपको क्या बताएगा, तीसरा बताएगा आपको प्रैक्टिकल नॉलेज कि ये प्रैक्टिकली किस तरह से यूज कर सकते हैं। तो टीम टीचिंग मेथड हमारा सबसे पहले कहाँ पे हुआ था, अमेरिका में हुआ था, इसका प्रतिपादन मतलब इसका सबसे पहले यूज अमेरिका में हुआ था। ठीक है, इसमें तीन चीजें बताई गई हैं, एक तो होता है प्लानिंग, किस तरह से टीचर सबसे पहले प्लानिंग करते हैं। ठीक है, फिर क्या करते हैं, उसे एग्जीक्यूट करते हैं प्लानिंग को। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, इवेल्युएशन करते हैं। ये तीन प्रोसेस हमारे टीम टीचिंग मेथड में उपयोग में लाए जाते हैं। इसमें क्या बताया मैंने, एक तो लेक्चर देता है, ठीक है, दूसरा सैद्धांतिक सिद्धांत बताएगा आपको, ठीक है, इसके बाद थर्ड क्या बताएगा, प्रैक्टिकली चीजें बताएगा, या फिर इससे ज्यादा भी टीचर्स हो सकते हैं, दो टीचर लेक्चर का दें, दो टीचर सैद्धांतिक पक्ष दें, तीसरा दो टीचर आपको प्रैक्टिकल नॉलेज दें। ठीक है, इसका क्या बताया गया, इसका विकास सबसे पहले अमेरिका में हुआ था, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, उस टाइम जो हमारी सेना थी उसको प्रशिक्षण देने के लिए, उसको टीच करने के लिए हमारे अमेरिका ने यूज किया था इस
मेथड का, टीम टीचिंग मेथड का यूज सबसे पहले अमेरिका में क्या था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, ठीक है, ये है। और इसमें तीन चीजें यूज की जाती हैं, प्लानिंग, एग्जीक्यूटिंग एंड इवेल्युएटिंग। प्लानिंग करेगा टीचर, फिर एग्जीक्यूट करेगा उस प्लानिंग को, उसके बाद इवेल्युएट करेगा कितना बच्चों को आया कितना नहीं आया है। ठीक है, ये बताए गए हैं हमारे टीम टीचिंग मेथड में। इसके बाद है टीवी और वीडियो प्रेजेंटेशन। इसमें क्या होता है, वीडियो के द्वारा हमारा टीचिंग कराई जाती है। अब टीवी, जैसे आपने देखा होगा कि एक एक क्लास में बहुत सारी चीजें टीवी के द्वारा दिखाई जा सकते हैं, पूरा संसार हम एक क्लास में ला सकते हैं। इसमें क्या करते हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं जो आपके पास नहीं आ सकते हैं, ठीक है, उनको आप क्लास में ऐड कर सकते हैं वीडियो के द्वारा, ठीक है। एक्सपर्टीज हो गया, और या फिर कोई लेक्चरार है जो बहुत अच्छे पढ़ाते हैं लेकिन आपकी क्लास में आ नहीं सकते, दूर हैं, ठीक है। कोई अमेरिका से आपका लेक्चरार है, वो उसके आपको क्लासे लेनी है लेकिन वो नहीं मिले, ले तो आप वीडियो या टीवी से वीडियो प्रेजेंट करके आप वो क्लासेस ले सकते हैं, ठीक है। अब इसमें लाभ बताए गए हैं कि इसमें आप किसी भी तरह से नॉलेज डिस्कवर कर सकते हैं। ठीक है, टीम इसमें वीडियो में क्या होता है, बेस्ट से बेस्ट चीज आप क्लास में ला सकते हैं, ठीक है। इससे के लाभ ये बताए गए हैं कि इससे आप बेस्ट से बेस्ट चीज अपनी क्लास में ला सकते हैं, बेस्ट से बेस्ट लेक्चरर हो गया, बेस्ट कुछ वीडियो है, स्लाइड्स हैं, तो अपनी क्लास को बेस्ट बनाने के लिए आप वीडियो प्रेजेंटेशन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद बताया गया है कि इसमें आप डिफरेंट टेक्निक्स हो गई, ठीक है, उसके यूज कर सकते हैं, जो आपकी टीचिंग है उसमें आपका और ज्यादा गुणवत्ता आएगी इससे, वीडियो प्रेजेंटेशन से। लेकिन इसमें ये भी बताया गया है कुछ सीमाएं हैं हमारे, कुछ लिमिटेशंस हैं, ठीक है। तो इसमें क्या बताया गया है कि आपको टीचर ढूंढने में प्रॉब्लम होती है, बहुत कठिन कार्य है एक अच्छा टीचर ढूंढना, उसको आपको क्लास में प्रेजेंट करना या फिर वीडियोस ढूंढना, ठीक है। इसमें क्या होता है, अधिक टीचर्स की आवश्यकता होती है, दूर दराज के क्षेत्रों में आसानी से पढ़ सकते हैं, ये तो लाभ हो जाएगा हमारा। इसमें क्या होता है, टू वे कम्युनिकेशन हमारा नहीं हो पाता है। अब आप देख रहे हैं कोई वीडियो चल रहा है आपके सामने, आप क्या तुरंत क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बताइए। आपके सामने एक वीडियो चल रहा है, उससे आप पढ़ रहे हैं और आपके दिमाग में एकदम से कोई क्वेश्चन आ रहा है, तो क्या आप उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं वीडियो में? नहीं, जी, तो हमारा जो टीवी और या वीडियो प्रेजेंटेशन है ये वन वे कम्युनिकेशन होता है, इसमें टू वे कम्युनिकेशन इम्पोसिबल है, ठीक है। फिर क्या है, टेलीकास्ट पीरियड। अब आपने देखा होगा टीवी पे एक टाइम पे एक चीज आती है, ठीक है, टीवी पे देखा होगा कोई प्रोग्राम है, वो 1 घंटे का प्रोग्राम है, तो उसके एक टाइम लिमिट होती है। अब आपका मुश्किल है यदि आप कहीं बाहर हैं, किसी भी काम में बिजी हैं, व्यस्त हैं, ठीक है, तो टीचिंग से उससे लर्निंग से रिलेटेड कोई प्रोग्राम आ रहा है तो क्या होगा, उसमें आप नहीं देख पाएंगे, तो जो टाइमिंग है वो हमारे प्रॉपर नहीं हो पाती है और टू वे कम्युनिकेशन हमारा नहीं हो पाता है, ठीक है। इसमें लाभ बताया गया है कि हम कुछ स्पेशलाइज्ड टीचर्स को ला सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर बताया गया है कि वो हार्ड है, अगर आपको नहीं मिलते हैं टीचर्स, नहीं मिलता है प्रॉपर वीडियो, तो आपकी टीचिंग कैसे होगी, ठीक है। फिर ये लाभ ये भी बताया गया कि दूर दराज के जो लोग होते हैं, दूर दराज के क्षेत्र में जो हमारे लर्नर्स होते हैं, उनको आसानी से टीचिंग हो जाती है। और इसी का मैं जो हमारा वीडियो प्रेजेंटेशन है, इसका यूज हमारा जियोग्राफी हो गया, एस्ट्रोनॉमी हो गया, इन चीजों में यूज किया जाता है, ठीक है। आप जियोग्राफी में और जो एस्ट्रोनॉमी है उसमें वीडियो प्रेजेंटेशन का यूज कर सकते हैं। इसके बाद बताया गया क्वेश्चन आंसर मेथड। इसमें क्या करता है, टीचर आता है, एक क्वेश्चन बोर्ड पे लिख देता है, ठीक है, एक क्वेश्चन लिख देगा बोर्ड पे, उसमें क्या, फिर बाद क्या करेगा, क्वेश्चन को इलेबोरेट करेगा कि किस तरह से आंसर देना, उसके बाद जो लर्नर है वो खुद से आंसर उसका फाइंड आउट करता है,
क्वेश्चन आंसर मेथड में यही बताया गया है कि क्वेश्चन पूछेगा लर्नर, सॉरी टीचर, उसके बाद उसे का डेमोन्स्ट्रेशन करेगा, उसके बाद आंसर जो है वो लर्नर देता है। तो ये भी क्वेश्चन आंसर मेथड में हमारे टीचर सेंटर्ड में आता है, क्योंकि जो टीचर है वो क्वेश्चन पूछता है। इसके बाद आता है हमारा रिव्यू स्ट्रेटजी। रिव्यू स्ट्रेटजी में भी ये भी टीचर से रिलेटेड वर्क है। इसमें जब टीचर जो ऊपर हमने सारे मेथड्स पढ़े हैं, इसमें क्या करता है, रिव्यू करता है जो बच्चे ने पढ़ा, मतलब जो टीचर ने पढ़ाया, लेक्चर मेथड से पढ़ाया है या फिर टीम टीचिंग मेथड से पढ़ाया है या फिर वीडियो प्रेजेंटेशन से पढ़ाया है या क्वेश्चन आंसर मेथड से पढ़ाया है। उसके बाद क्या करता है, टीचर रिव्यू करता है कि प्रोसेस जो है कितना उसको प्रगति मिली, कितनी प्रगति तक वो पहुंचा है, कितना बेनिफिट आया है लर्नर को, कितना बच्चा सीख चुका है। ठीक है, तो रिव्यू करता है कितना मैंने पढ़ा दिया है, क्या हो चुका है, कितना बच्चे को समझ में आया, कितना थोड़ा इम्प्रूवमेंट करना है, ठीक है, कितना सिलेबस बचा है, कितना पढ़ाना है, क्या क्या उसकी कमियां हैं, फिर उनको चेंज करता है। रिव्यू स्ट्रेटेजी हमारे टीचर सेंटर्ड मेथड में ही आता है। ठीक है, ये हमारे 5 मेथड्स थे। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं, किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है, मैं क्वेश्चन करना क्वेश्चन आंसर स्टार्ट मैम, ये ज्योग्राफी और दूसरा किसमें यूज होता है मैम? टीवी वाला जो था मैम, टीवी और वीडियो वाला? जी, एस्ट्रोनॉमी में, खगोल शास्त्र, खगोल विज्ञान, भूगोल में। ठीक है गौरव जी, नेहा जी आप पूछ रहे थे क्वेश्चन आंसर मेथड में। क्वेश्चन आंसर मेथड में क्या होता है, 3 चीजें, इसे सुकुराती विधि भी कहते हैं, याद रखें क्वेश्चन आंसर मेथड को, सुकुराती विधि, सुकुराती मेथड। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, प्रश्न का निर्माण किया जाता है, क्वेश्चन का फॉर्मेशन किया जाता है, उसके बाद उसका प्रस्तुतिकरण किया जाता है, फिर छात्रों के माध्यम से ही नवीन ज्ञान का जो है खोज होती है। तो क्वेश्चन आंसर में क्या होता है, टीचर जो है क्वेश्चन बता देंगे और उसके बाद उसका डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे और फिर उनसे पूछेंगे आंसर। मतलब क्लास में जाके आपने कोई क्वेश्चन पूछा तो 10 बच्चे हैं तो 10 में से 5 बच्चे अलग अलग आंसर देंगे। इससे क्या होता है, बच्चे की मेंटल एक्टिविटी ज्यादा बढ़ती है, बच्चे ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं इस वाले इसमें। ठीक है, और इससे क्या हो जाता है, क्वेश्चन आंसर मेथड से जो लर्नर है कितना आता है उसको, कितना सीखा है उसने, इसका भी आपको आइडिया लग जाता है। ये हमारा क्वेश्चन आंसर मेथड था। ठीक है नेहा जी, जी तो कोई क्वेश्चन नहीं है इसके अलावा किसी का? मैम, दूसरा पॉइंट क्या था इसमें क्वेश्चन आंसर मेथड में? दूसरा पॉइंट है आपका प्रस्तुतिकरण, डेमोन्स्ट्रेशन। ठीक है गौरव जी, क्लियर है सभी को? मैसेज में आप टाइप करेंगे, जी मैसेज में वाई टाइप करेंगे जो अगर क्लियर है, यदि कोई क्वेश्चन है तो पूछें। सोनिया शाह जी का मैसेज आ गया भाई। ठीक है, इसके बाद हम कर लेते हैं लर्नर सेंटर्ड मेथड। लर्नर सेंटर्ड मेथड में सबसे पहले आ जाता है असाइनमेंट्स। तो असाइनमेंट्स में क्या होता है, जब बच्चा लर्नर को आप क्लास में टीचिंग करा रहे हैं, फिर बाद में क्या होता है, असाइनमेंट देते हैं। वो क्यों देते हैं, जिससे कि बच्चा अतिरिक्त जानकारी प्राप्त कर सके, अतिरिक्त नॉलेज, एक्स्ट्रा नॉलेज जो है वो गेन कर सके, उसके लिए हम असाइनमेंट्स देते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या ध्यान रखना पड़ता है, टॉपिक किसी भी तरह का हो लेकिन इस तरह का टॉपिक हो आपका कि बच्चा उसे कॉपी ना कर सके, बुक्स से कॉपी ना करे, बुक्स से अलग होके एक टॉपिक आपको देना है बच्चे को और उस पर फिर गाइड भी करना होता है। इसमें असाइनमेंट्स में गाइड करते हैं, लेकिन हमारा ह्यूरिस्टिक मेथड पढ़ेंगे आप, उसमें टीचर क्या करता है, खाली टॉपिक दे देता है और लर्नर खुद से अपना आंसर फाइंड आउट करता है ह्यूरिस्टिक मेथड में। लेकिन असाइनमेंट में क्या करता है, टीचर आपका गाइड करता है प्रॉपर तरीके से। ठीक है, इसमें क्या होता है, बेनिफिट्स क्या होते हैं इसके असाइनमेंट्स से, तो जो हमारा लर्नर है वो इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, प्रॉब्लम जो प्रॉब्लम्स के सॉल्विंग करने की एबिलिटीज आ जाती है लर्नर में, क्रिएटिविटी आ जाती है, उसकी नॉलेज और ज्यादा बढ़ती है असाइनमेंट से। लेकिन इसमें जो सीमाएं बताई गई हैं, तो बताया गया है यदि आपकी आप सही से प्लान नहीं करते हैं और
प्लानिंग आपके असाइनमेंट की प्रॉपर तरीके से नहीं, टॉपिक सही से नहीं चूज किया है, तो आपकी जो लर्नर है वो कॉपी कर सकता है एक दूसरे से, ठीक है। तो टॉपिक इस तरह से देना है सभी को, आपने देखा होगा टीचर्स अलग अलग बच्चे को अलग अलग टॉपिक देते हैं, वो क्यों देते हैं, ताकि एक दूसरे से कॉपी ना कर सके, ठीक है, कॉपी ना कर सके, इस वजह से असाइनमेंट अलग अलग देते हैं। कुछ टीचर क्या करते हैं, चार असाइनमेंट देते हैं और खुद से बनाने के लिए दे देते हैं, उससे क्या होता है बच्चा कॉपी करता है। कोई चार असाइनमेंट दे देते हैं, इसमें से छांट लो किसको जिसको जो सूटेबल लगे। अब ये ग्रुप्स बना लेते हैं, ग्रुप्स बना के क्या करते हैं, कॉपी करते हैं, चार पांच बच्चों का असाइनमेंट बिल्कुल डिट्टो सेम हो जाता है, और उससे क्या होती है बच्चे क्रिएटिविटी पर इफेक्ट पड़ता है, अच्छे से क्रिएटिव नहीं हो पाता है, ठीक है, प्रॉब्लम सोल्व नहीं कर पाता है, कॉपी पेस्ट से बच्चा लेस एक्टिव हो जाता है। तो असाइनमेंट में ध्यान रखना है, हमारा टॉपिक जो होता है वो सोच समझ कर देना होता है, और अलग अलग बच्चे को अलग अलग देना होता है। ये हमारा असाइनमेंट था, ये हमारे लर्नर सेंटर्ड मेथड में आ जाएगा। इसके बाद है प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस। इसमें क्या होता है, एक सिलेबस होता है पूरा, आपने देखा होगा पूरा सिलेबस है। उसके बाद आपने, या तो आप खुद से पढ़ रहे हैं तो आपको बहुत लेंदी लगता है, लेकिन प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस में क्या होता है, डिवाइड कर दिया जाता है सिलेबस को स्टेप वाइज। अब एक टॉपिक का पढ़ाया टीचर ने, उसके बाद आप फीडबैक लेंगे, ठीक है। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस में क्या होता है, एक टॉपिक पढ़ाएंगे, उसके बाद आप बच्चे से फीडबैक लेंगे कि समझ में आया या नहीं, कोई क्वेश्चन है तो पूछें, ठीक है। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस में ये होता है, तो ये एक लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है, और इसमें स्टेप्स में सिलेबस को तोड़ दिया जाता है, उसमें बच्चे को साथ के साथ लर्निंग की हो रही है या नहीं इसका फीडबैक भी लिया जाता है। तो इसके बेनिफिट्स यही हैं कि इसमें लर्निंग अच्छी होती है। तो इसके बेनिफिट्स यही हैं कि इसमें फीडबैक तुरंत के तुरंत मिल जाता है, प्रॉपर तरीके से हमें फीडबैक मिलता है, और जो लर्नर है बिल्कुल एक्टिव तरीके से प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस मेथड में सीखता है, ठीक है। लेकिन इसकी सीमा ये है कि इसका ये जो प्रोसेस है वो लंबा हो जाता है, थोड़ा सा पढ़ाने के बाद तो फिर से फीडबैक लो, थोड़ा सा पढ़ाने के फीडबैक, तो बच्चा जो होता है वो बोर हो जाता है। एक टाइम पे ऐसा आता है कि जल्दी जल्दी पढ़ाओ और फिर खत्म करो, इस तरह से हो जाता है, ठीक है। तो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस में यही होता है कि मोटिवेशन कम हो जाता है बच्चे का। इसके बाद आता है हमारा कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग। इसमें क्या होता है, कंप्यूटर के द्वारा जो लर्निंग होती है, ठीक है, जो कंप्यूटर के द्वारा लर्निंग होती है वो हमारा कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग होती है। इसमें लर्नर क्या करता है, कंप्यूटर से ही सभी नॉलेज गेन करता है, वो कंप्यूटर से ही क्वेश्चन करता है। जो गूगल पे देखा होगा आपने, कुछ भी सर्च करना गूगल या यूट्यूब से कर लो, ठीक है। तो ये क्या होता है, कंप्यूटर से ही की जाती है, ऑनलाइन जो सिस्टम होता है वो हमारा कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग में होता है। तो ये हमारा कंप्यूटर से रिलेटेड था। इसमें क्या लाभ बताए गए हैं कि जल्दी से लर्नर सीख लेता है, ठीक है, और फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होती है इसमें। बाकी जो लर्निंग मेथड्स हैं हमारे, टीचिंग मेथड, टीचर सेंटर्ड है, लर्नर सेंटर्ड है, उनमें फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है, लेकिन कंप्यूटर असिस्टेड में फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होती है, लर्नर अपने अकॉर्डिंग चीजें सीख सकता है, ठीक है। इसमें सीमाएं बताई गई हैं कि बच्चे ये जो है कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग, ये थोड़ी महंगी होती है, ठीक है, कॉस्टली हो जाती है, इस वजह से इसकी सीमाएं बताई गई हैं कि महंगी होती है अदर टीचिंग मेथड्स से। ये था हमारा कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग। इसके बाद है इंटरैक्टिव वीडियो। इंटरैक्टिव वीडियो में क्या होता है, जिस तरह से हम अभी कर रहे हैं, ठीक है, इंटरैक्टिव वीडियो में ऑनलाइन क्लासेज आ जाएंगे, जिसमें आप तुरंत फीडबैक दें, तुरंत क्वेश्चन करें, तो ये हमारा इंटरैक्टिव वीडियो में आ जाता है। इंटरैक्टिव वीडियो को हिंदी में बोला जाता है परस्पर संवादात्मक वीडियो, ठीक है। इसमें लर्नर और जो है लर्नर का कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर, जो हमने तीन स्टेजेस पढ़े थे, हेड, हार्ट एंड हैंड, ठीक है, उसमें तीनों चीजों पर वर्क होता है इंटरैक्टिव वीडियो में। जैसे हमारे प्रॉपर क्लास ऑफलाइन चलती है, वैसे ही हमारी ऑनलाइन क्लासेस चलते हैं। तो इंटरैक्टिव वीडियो में क्या होता है, इंटरेक्शन कर पाता है हमारे लर्नर टीचर्स के साथ। ये हमारा इंटरैक्टिव वीडियो है। इसमें लाभ बताए गए हैं कि लर्नर तुरंत फीडबैक दे सकता है, मोटिवेशन प्रॉपर मिलता है उसे,
ठीक है, लेकिन इसकी सीमाएं बताई गई हैं कि इसमें टाइम बहुत ज्यादा लगता है और रिसोर्सेज की विशेष आवश्यकता होती है। आपको प्रॉपर मोबाइल चाहिए, प्रॉपर लैपटॉप चाहिए, इसमें रिसोर्सेज बहुत ज्यादा चाहिए होते हैं और टाइमिंग भी बहुत ज्यादा कंज्यूम करता है इंटरेक्टिव वीडियो। लेकिन लाभ क्या बताया, तुरंत फीडबैक मिलता है, लर्निंग बहुत अच्छे से होती है लर्नर की, ठीक है, क्वेश्चन आंसर प्रॉपर तरीके से कर सकता है। ये हमारा इंटरेक्टिव वीडियो है। इसके बाद है ओपन लर्निंग, जो आपने देखा ओपन लर्निंग चलती है, जिसमें बच्चे को कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं होते हैं, वो अटेंडेंस दे या ना दे, क्लास में आए या ना आए, ठीक है, एडमिशन कभी भी ले ले, ठीक है। ये हमारा ओपन लर्निंग में जो आता है, ये भी हमारा इससे रेगुलर अटेंडेंस की कोई आवश्यकता नहीं होती ओपन लर्निंग में, ठीक है। फिर इसमें लाभ बताया गया है कि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, बच्चा किसी भी तरह से लर्निंग कर सकता है, किसी भी तरह से आ जा सकता है ओपन लर्निंग में, ठीक है। फिर इसके बाद क्या बताया, इसमें सीमाएं भी होती हैं। जो चीज हमारा इंटरेक्टिव वीडियो कर रहा है, कोग्निटिव हो गया, साइकोमोटर हो गया, अफेक्टिव हो गया, ये तीनों डोमेन जो है ये कवर अप कर लेता है, ठीक है, हेड हार्ट हैंड तीनों पे काम कर लेता है। लेकिन ओपन लर्निंग में क्या होता है, आवाज नहीं आ रही है क्या मेरी? आ रही है मैम। आ रही है मैम? हाँ कुंज जी, आपका नेटवर्क शायद डिस्टर्ब है, तो आप एक बार नेटवर्क चेक कर लेना, लेफ्ट करके आप एक बार दोबारा ज्वाइन हो जाएं, ठीक है। ओपन ओपन लर्निंग में क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होती है और जो लर्नर है प्रॉपर तरीके से लर्निंग नहीं हो पाती है। इसमें हमारे तीनों जो डोमेन बताए हैं, कोग्निटिव, साइकोमोटर एंड थर्ड वाला क्या था, अफेक्टिव, कोग्निटिव एक्टिव अफेक्ट, हाँ जी, कोग्निटिव अफेक्टिव और साइकोमोटर, तीनों डोमेन पे प्रॉपर वर्क नहीं हो पाता है। लर्नर खाली डिग्री के मात्र डिग्री मात्र प्राप्त पाता है, जो उसकी लर्निंग होती है प्रॉपर तरीके से नहीं होती है, ठीक है। फिर है साइमल्टेशन, इसमें क्या होता है, इसे बोलेंगे सतत अनुकरण, हिंदी में सतत अनुकरण बोलते हैं सिमुलेशन को। तो सिमुलेशन में क्या किया जाता है, लर्निंग के लिए ऐसी ही परिस्थितियां प्रोवाइड कराई जाती हैं जो हमारे रियल लाइफ में होते हैं। अब जैसे कोई पायलट बनने जा रहा है तो, या फिर आप एस्ट्रोनॉट देखेंगे जो अंतरिक्ष में जाते हैं, तो उनके लिए क्या ट्रेनिंग किस तरह से होती है, ऐसा ही एनवायरनमेंट बनाया जाता है जैसे कि आपका रियल लाइफ का होता है। ये हमारा सिमुलेशन में आ जाएगा कि जो लर्नर को इस तरह का एनवायरनमेंट दिया जाता है जिस तरह से रियल लाइफ में होता है। पायलट्स हो गया, एस्ट्रोनॉट्स हो गया, इनके लिए हम प्रॉपर तरीके से संसाधन, जो रिसोर्सेज हैं वो यूज करते हैं। इसमें क्या होता है, खर्चा बहुत ज्यादा होता है, लेकिन लर्निंग क्या होती है, वो सबसे बेस्ट होती है, ठीक है। तो इसमें लाभ ये है कि लर्निंग बेस्ट होती है, प्रैक्टिकली लर्नर अच्छे से सीख पाता है। लेकिन सीमाएं क्या बताई गई हैं कि इसमें खर्च बहुत ज्यादा हो जाता है। इसके बाद आता है ह्यूरिस्टिक मेथड। ह्यूरिस्टिक मेथड, टीचर कोई टॉपिक दे दे आपको, ठीक है, टीचर कोई टॉपिक दे देंगे और उसके बाद बोलेंगे कि आप कोई प्रॉब्लम दे देंगे, तो उसके बाद बोलेंगे कि आपको खुद से ही चीजें सोल्व करनी है। टीचर प्रॉब्लम दे के साइड हट जाएंगे और लर्नर को खुद से ही सभी चीजें करनी होती हैं ह्यूरिस्टिक मेथड में। इसे हिंदी में बोलते हैं अनुमान या अन्वेषण विधि, ठीक है। तो ह्यूरिस्टिक मेथड में यही बताया गया है कि इंक्वायरी खुद से करता है लर्नर, टीचर की कोई सहायता नहीं मिलती है, वो लर्नर को टीचर कोई भी किसी भी तरह की सहायता नहीं करता है, खाली एक सहायता कर देगा, उसे प्रॉब्लम दे देगा, ये प्रॉब्लम है इसे सोल्व करो अपने तरीके से, ठीक है। ये हमारा ह्यूरिस्टिक मेथड है और ये सबसे बेस्ट मेथड होता है हमारा लर्नर के लिए। इससे लर्नर बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है और क्रिएटिव हो जाता है। इसके बाद आता है हमारा डिस्कवरी मेथड, ये भी हमारा ऐतिहासिक खोज विधि कहलाती है। इसमें भी ये ह्यूरिस्टिक मेथड से रिलेटेड ही होता है, ठीक है। तो ये सोशल डेवलपमेंट पे बेस्ड होता है कि जो हमारे सोशल सब्जेक्ट्स हैं उनके फैक्ट्स को हमारा डिस्कवरी मेथड देखता है, इसे DI बोलते हैं शॉर्ट में, ठीक है। ये हमारे लर्नर सेंटर्ड मेथड है, इसमें किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। एक बात और इसमें डिस्कवरी मेथड जो है हमारा क्वालिटेटिव, ज्यादा क्वालिटेटिव थिंग्स पर ज्यादा जोर दिया जाता है जबकि क्वांटिटेटिव, ठीक है। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव क्या होता है, कोई बताए?
मैम क्वालिटी में विशेषताएं बताई जाती हैं और क्वांटिटी में मात्रा, वजन, नाप आदि की चर्चा की जाती है। हाँ जी, तो हमारा क्वालिटेटिव में क्या होता है, क्वालिटी देखी जाती है, क्वांटिटेटिव में हम मात्रा देखते हैं। तो ऐतिहासिक में क्या देखा जाता है, क्वालिटी देखी जाती है, ठीक है, क्वांटिटी नहीं देखी जाती कि बच्चे ने कितनी खोज की है, कितनी डिस्कवरी की है, खाली क्वालिटी देखी जाती है, जो डिस्कवर किया है उसकी क्वालिटी अच्छी है, क्वालिटी बेस्ट है, ठीक है, ये हमारे डिस्कवरी मेथड में होता है। मैम क्वालिटेटिव को हिंदी में क्या कहते हैं? क्वालिटेटिव को हिंदी में, एक मिनट रुकिएगा, क्वांटिटी को तो गुणात्मक। मात्रा, क्वांटिटी को तो मात्रात्मक बोलते हैं, क्वालिटेटिव को गुणात्मक क्वालिटेटिव को बोलते गुणात्मक हैं शायद। बोलते हैं, सत्ता बोलते हैं सर, सत्ता बोलते हैं सर, गुणात्मक और मात्रात्मक। मात्रात्मक हाँ जी, वर्णनात्मक हाँ होता है ना जी क्वालिटेटिव। मैम एक बार ओपन नहीं मैम, लैब वो तो में डिस्क्रिप्टिव होता है होता वर्णनात्मक है तो। वर्णनात्मक को। तो चलिए मैं इसका क्वेश्चन का आंसर आपको कल देती हूँ, मैम मैं ये ठीक है। कहना चाह मैं ये कहना रहा चाह था, रहा था, हाँ ये जो जी, स्लाइड है मैम, आप ये भी हिंदी में ही प्रिपेयर कर लीजिए, कीजिए आप, तो फिर अच्छे से समझ आ जाता है। अब स्लाइड अब इंग्लिश में स्लाइड है और इंग्लिश में है, एक्सप्लेनेशन हिंदी में है, या तो मैम सारा ही इंग्लिश में हो या इंग्लिश सारा ही में या हिंदी सारा ही में। हिंदी, जी मैं समझ पा रही हूँ, तो हिंदी में मैं साथ के साथ बोल लेती हूँ, आप नोट्स तो बना रहे होंगे। जैसे पर्टिकुलर वर्ब, जैसे सिमुलेशन, सिमुलेशन, इसको हिंदी में इसको क्या हिंदी बोला में क्या बोला जाएगा? जाएगा, तो आप तो पूछ सकते सभी हैं, बता चीजों का दीजिए। मतलब, हाँ जी, कोई नहीं, मैं बनाती हूँ, लेकिन आज टाइम मेरे पास कम था, आपने देखी होंगी पिछली जो स्लाइड्स हैं उसमें मैं दोनों चीजें लेके चलती हूँ। हाँ तो जी, थैंक यू क्वालिटी, मैम। थैंक यू मैम। हाँ जी, क्वालिटेटिव में बताया जाता है गुणात्मक, और क्वांटिटेटिव बताया जाता है मात्रात्मक, ठीक है, मैम क्लियर एक है? बार क्वालिटी, ओपन ओपन लर्निंग बता लर्निंग दीजिए ना। हाँ जी, ओपन लर्निंग में क्या होता है, इसमें ओपन लर्निंग मेथड जो आपने नॉर्मली देखा होगा, काफी लोग होते हैं जॉब्स वगैरह में बिजी रहते हैं, है ना, तो वो क्या करते हैं, ओपन लर्निंग मेथड का यूज करते हैं कि उन्हें डेली क्लासेस यूज ना, डेली क्लासेस ना लेनी पड़े, ठीक है, फ्लेक्सिबल होता है ये लर्नर के लिए, बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है, इसमें मटेरियल वगैरह सब प्रोवाइड होता है, लेकिन बच्चे पर कोई किसी प्रकार का रेस्ट्रिक्शन नहीं होता, खाली उसे एग्जाम देने आना होता है, ये हमारा ओपन लर्निंग होता है। इसमें हमारे लाभ क्या हो जाएंगे, ये फ्लेक्सिबल होता है बहुत ज्यादा, लेकिन इसमें सीमाएं बताई जाती हैं कि हमारे जो बच्चे की, सॉरी, लर्नर की जो डेवलपमेंट है वो प्रॉपर तरीके से नहीं होती है, वो चाहे आप कोग्निटिव ले लो, माइंड से रिलेटेड, हार्ट से रिलेटेड, मोटिवेटेड नहीं हो पाता, क्योंकि वो टीचर से बहुत ज्यादा दूर है, समझ रहे हैं आप, टीचर से दूर है, और जो पढ़ रहा है वो बस एग्जाम से थोड़े से दिन पहले पढ़ता है, ओपन लर्निंग में आपने नॉर्मली देखा होगा, डेली नहीं पढ़ता क्योंकि उसके पास टाइम नहीं होता, जॉब वगैरह में पहले से ही इन्वॉल्व होता है। तो उसके जो है तीनों डोमेन जो हमने पढ़े थे, कोग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर, प्रैक्टिकली भी चीजें प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाता है, कोग्निटिव तरीके से खाली क्या होता है वो एग्जाम से पहले पढ़ता है और उसके बाद एग्जाम देता है, तो इससे लर्नर की जो डेवलपमेंट है प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती है, इसमें ये बताया गया है, और इसमें रिसोर्सेज की आवश्यकता होती है, लेकिन लर्नर जो है वो प्रॉपर तरीके से रिसोर्सेज एक्सेप्ट नहीं कर पाता है ओपन लर्निंग में, ठीक है सोनी व्हाट जी। आई अंडरस्टूड इन ओपन लर्निंग को हिंदी में ओपन क्या बोलते हैं? या अच्छा, व्हाट आई अंडरस्टूड इन खुला अधिगम ओपन बोलते हैं मेरा लर्निंग, था। मेरा था मुक्त अधिगम बोलते हैं ओपन लर्निंग को, ये मैं स्लाइड में आपको हिंदी ऐड करके दे दूंगी, ठीक है, अब मेरे पास टाइम है, पढ़ाने के बाद मैं आपको स्लाइड में हिंदी भी ऐड करके दे दूंगी, ठीक है अमित जी, आप टेंशन हाँ ना ले ज्यादा, जी, ठीक है मैम। ठीक है मैम। जी, दीक्षा जी आप कुछ बोल रहे थे,
नहीं, मुझे ऐसा फील हुआ ओपन लर्निंग इज समवेयर लाइक इट इज काइंड ऑफ द डिस्टेंस लर्निंग व्हाट नॉर्मली इट हैपेंस. सी, ओपन टू लर्न, द लर्नर कैन ओपन टू एवरीथिंग, वेदर ही कैन यूज द मटेरियल और ही कैन कंसल्ट एनी पीपल और हूएवर ही वांट टू कंसल्ट फॉर द टॉपिक, और ही कैन अकोमोडेट हिमसेल्फ द मटेरियल और द नॉलेज वट एवर ही गेट्स ओपनली, नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू द सम प्रोफेसर और समथिंग लाइक दैट. सो विथ दैट इट विल बी ओपन टू हिम फॉर द लर्निंग स्पेस. The pace what he creates so around him, so he will be open to learn through whatever material, whatever accommodation he can do himself or equipment whatever available to him. So the open for learning. I feel that is open learning. It won't face to face to any professor or something like that. Interaction is required, so he can be open to learning for any material or any subject or any equipment whatever available to him. जी दीक्षा जी, आप बिल्कुल सही बता रहे हैं। बच्चा लर्नर जो है, ओपन लर्निंग जो मैं बता रही हूँ, जिस तरीके से लर्नर जो दूर से डिस्टेंस से भी लर्निंग कर सकता है, आप देख रहे होंगे यूट्यूब वगैरह से भी लर्निंग होती है। तो आपका एग्जाम्पल मतलब जो आप बताना चाह रहे हैं उस तरीके से जा रहा है, तो ओपन लर्निंग में हम एग्जाम्पल दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं कि लर्नर कहीं से भी किसी भी तरीके से लर्न कर सकता है। ये हमारा ओपन लर्निंग में होता है। ठीक है सोनिया जी, दीक्षा जी की बात आपको समझ आई? जी मैम, जी मैम। जी, तो इसमें से किसी का को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं जो अभी तक पढ़ाया है। तो आज की कक्षा फिर समाप्त करते हैं। मैम डिस्कवरी जो मेथड है वो बता दीजिए। ये डिस्कवरी मेथड जो हमारा ह्यूरिस्टिक मेथड से रिलेटेड होता है, इसमें भी प्रॉब्लम जो है लर्नर खुद से डिस्कवर करता है। ह्यूरिस्टिक मेथड पढ़ाया है मैंने कि इसमें टीचर आपको प्रॉब्लम दे देता है, उसके बाद क्या करता है आप खुद से सोल्व करते हैं। इसी तरह आपका डिस्कवरी मेथड भी होता है, ऐतिहासिक खोज। इसमें लर्नर खुद से नई खोजें करता है। ठीक है जानवी जी। ओके मैम, ओके मैम। हाँ जी, किसी का कोई और डाउट फिर शांति पाठ कर लेते हैं। चलिए, कल मैं इसकी क्लास स्टार्ट होने से पहले क्वेश्चन आंसर कर लूंगी। गौरव जी, आप क्या बोलना चाह रहे हैं, आप एक बार बता दीजिए। क्यों सेशन जी, क्वेश्चन आंसर मैं कल रिवीजन करूंगी ना, उसके बाद क्वेश्चन आंसर सेशन कर लेंगे। हाँ जी, कल कर लेंगे। मुझे लगा आप वो वाला बोल रहे हैं जो हमने स्किप कर दिया था, वो हम सिलेबस के बाद कंप्लीट करेंगे। तो क्वेश्चन आंसर का जो सेशन है हम कल कर लेंगे। सभी पढ़ लेना अच्छे से, अभी कुछ चीजें क्लियर नहीं होंगी। ठीक है, तो आप खुद से पढ़ेंगे तो और ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएंगी, और कल क्वेश्चन आंसर सेशन में भी आपको अच्छा लगेगा। तो सभी आंखें बंद कर लेंगे, कमर गर्दन सीधी, पेन साइड में रख के लंबा गहरा श्वास। सहनावतु सहनो भुनक्तु सहवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। हाथों के बीच में घर्षण कर लेंगे, आंखों पर धीरे से लगाकर आंखें खोल लेंगे।